क्या एपेक्स मोबाइल जाना सब मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक आई ओपनिंग था, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारा पॉपुलर टाइटल मोबाइल प्लेटफॉर्म में, इवन मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म का जो पॉपुलर ब्रांड्स है वो भी अपना जो पैर है ना वो थोड़ा पीछे कर रहे, और उसके साथ साथ वो लोग थोड़ा सेव करने की कोशिश कर रहे। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग दो पॉपुलर टाइटल के बारे में बात करने वाले, जो कि एपेक्स मोबाइल जाने के बाद, अभी तक एपेक्स मोबाइल गया नहीं है बट अनाउंसमेंट तो हो चुका है, उसके बाद से ये दो कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक कंपनी तो भाई ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया कि 21 मार्च के बाद हम लोग कोई भी अपडेट नहीं देंगे ये वर्जन में, तो कौन सा कंपनी है चलो एक बार पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं COD मोबाइल। तो COD मोबाइल का जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ एक्टिविजन से, बट बहुत ही ऊपर सोर्स से ही ये वाला इन्फॉर्मेशन निकल के आया। जैसे कि आप देखो लिखा हुआ, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इज एक्सपेक्टेड टू बी फेज आउट एक्सेप्ट चाइना विद द ग्लोबल लॉन्च ऑफ वॉरजोन मोबाइल द एंड ऑफ 2023। दिस स्टेटमेंट हैज नॉट येट ऑफिशियली बी कंफर्म बाय एक्टिविजन। राइट नाउ वॉरजोन डजंट रन बेटर लो एंड डिवाइसेस इन कंपेयर टू COD मोबाइल। इसे बोला जा रहा है कि जो COD का जो OG वर्जन है, अभी हम लोग खेलते हैं वो वर्जन, जैसे ही बोल सकते हो COD वॉरजोन को पता है अभी टेस्टिंग चल रहा है, वो जैसे ही लॉन्च हो जाएगा तो धीरे धीरे जो OG वर्जन है उसमें अपडेट आना कम हो जाएगा, उसके साथ साथ लोगों का खेलना बंद होने वाला है। क्योंकि इसमें बैन करने का बात नहीं बोला है, बैन नहीं बोला है, फेज आउट बोला है, मतलब धीरे धीरे जब आप कोई भी गेम कोई भी एप्लीकेशन में अपडेट देना बंद कर दोगे तो उसका जो इंटरेस्ट है, लाइक आपको पता है BGMI का वैसे ही सिनेरियो चल रहा है, अभी इसमें अपडेट आना बंद हो गया बट आप खेल सकते हो, गेम ऐसा नहीं कि चल गया एकदम आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, आप खेल पा रहे हो, बट तब भी आप देख पाए हर एक सीजन के साथ साथ लोगों का प्लेयर बेस का जो इंटरेस्ट वो घटते जा रहा है, क्योंकि कुछ न्यू कंटेंट मिल नहीं रहा, कुछ न्यू चीज़ मिल नहीं रहा। तो ऐसे करके कोई भी गेम को अगर फेज आउट करना रहता है ना तो अपडेट देना बंद कर दो, बग फिक्स करना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली गेम का जो ऑडियंस है धीरे धीरे कम हो जाएगा, और उसके बाद एक टाइम के बाद आप देखोगे कि ऑडियंस एकदम ना के बराबर आ रहा तो वो गेम को ऑटोमेटिकली आप प्ले स्टोर एप्पल स्टोर से हटा सकते हो। तो इसको बोलते हैं फेज आउट, ठीक है। और ये करने से क्या फ़ायदा होता है कंपनी का, उतना ज़्यादा नाम खराब नहीं होता एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली बंद करते हो, जैसे एपेक्स का EA का नाम बहुत खराब हुआ एपेक्स मोबाइल डायरेक्ट हटने से, अगर वो फेज आउट करता है थोड़ा कम खराब होता है, बट ये डायरेक्टली बंद करने के चलते एक ही बार में उस पर कंपनी में बोल सकते हो दाग लग सकता है। इसमें बोला जा रहा है जैसे वॉरजोन मोबाइल आएगा एक्टिविजन केवल वॉरजोन मोबाइल पे ज्यादा फोकस करेगा एज कम्पेयर टू COD मोबाइल का जो OG वर्जन है। ये चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं है बट बहुत हद तक हो सकता है, क्योंकि ये लाइक स्टेटमेंट आप देखो निकल के आ चुका जो कि आप देख पा रहे हो। बट मेरा मानना ही है कि COD मोबाइल के लोग कंटिन्यूसली रन करना चाहिए, क्योंकि ये COD मोबाइल ना थोड़ा लो एंड डिवाइसेस वाला जो ऑडियंस है ना उसको पकड़ के रखा है। क्योंकि अगर आप देखोगे COD वॉरजोन अभी तो बोलो फाइनल वर्जन लॉन्च नहीं हुआ, फिर भी आप देखोगे कि हाई एंड डिवाइस चाहिए तभी जाके आप COD वॉरजोन को सही से खेल पाओगे, और कितना ही हद तक वो लोग बोल सकते लाइट कर ही सकता है। वॉरजोन मोबाइल बहुत ही हैवी गेम होने वाला है क्योंकि उसमें ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो डेफिनेटली COD का जो नॉर्मल वर्जन है उसमें बोल सकते जो ऑडियंस है ना वो सबका सब कन्वर्ट नहीं होंगे वॉरजोन में, वो ऑब्वियसली उसी में भी रहने वाले। तो देखते हैं एक्टिविजन का क्या फाइनल कॉल रहेगा, अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुआ, बट एक गेम डेफिनेटली अपने तरफ से कंफर्म कर दिया कि 21 मार्च के बाद से हम लोग अपडेट नहीं देंगे, वो है भाई फ्री फायर मैक्स। जी हाँ, फ्री फायर मैक्स वाले ने कंफर्म कर दिया कि 21 मार्च के बाद हम लोग अपडेट नहीं देंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे ये मेल ऑफिशियल की तरफ से किया गया था फ्री फायर के ब्राज़ील रीजन में, जितना मुझे पता चला है, और इसमें कुछ ब्राज़ील लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ कि गरीना हैज़ मेड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट फ्री फायर मैक्स विल स्टॉप रिसीविंग अपडेट From March 21st, 2023, focusing only on the original version. This version will probably be removed over the month as they leave this game. तो ये भी फेज आउट होने वाला, जैसे कि बताया ये एक बार में बैंड नहीं होगा, अपडेट आना बंद हो जाएगा, और वापस अगर अपडेट आना बंद हो गया तो मैं फिर बताया कि वो धीरे धीरे लोगों का जो ऑडियंस रिटेंशन होता है वो कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ प्लेयर बेस जो है घट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है ब्राज़ील रीजन में, भले ये नोटिस ब्राज़ील मिला है बट अगर ये वर्ल्ड वाइड हो जाता है, राइट, अगर ये वर्ल्ड वाइड हो जाता है तो बट सबसे ज़्यादा जो प्लेयर बेस को अफेक्ट करेगा वो है भाई इंडिया। जी हाँ, क्योंकि इंडिया में केवल एक ही वर्जन चलता है फ्री फायर का, वो है फ्री फायर मैक्स, वो भी केवल एंड्रॉयड में, और इसी के चलते ज़्यादातर लोग खेलते हैं। क्योंकि फ्री फायर मैक्स में क्या होता है कि फ्री फायर का जो आप आईडी है ना उस वही रिसोर्सेज के साथ आप फ्री फायर मैक्स में खेल सकते हो, इसी चलते काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद आता है, और उसके बाद आप फ्री फायर मैक्स का भी आईडी को फ्री फायर में खेल सकते हो। जैसे मुझे पता है आज तक मैं फ्री फायर खेला नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कैसे उसका वर्किंग होता है, कैसे ग्राफिक्स रहता है, बट आपको समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे से खेल सकते, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। बट ये स्टेटमेंट निकलने के बाद जो शॉकिंग चीज़ है, अगर इंडिया में ये चीज़ अप्लाई होता है तो भाई एक ही गेम जो अवेलेबल था वो भी चल जाएगा, और उसके बाद तो भाई VPN और आपको पता है थर्ड पार्टी सोर्सेस, सबको फ्री फायर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि अगर फ्री फायर मैक्स में अपडेट आना बंद हो जाएगा
तो उसके बाद वो लोग केवल गरीना फ्री फायर जो ऑरिजिनल वर्जन में उसमें फोकस करेंगे। और अभी जो कंपनी का अप्रोच दिखाई दे रहा है वो लोग बहुत ही ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं, कोई भी अब रिस्क लेना नहीं चाहते। जो फ्री फायर मैक्स वाला प्रोजेक्ट है वो भी बंद होने वाला, मुझे जितना लगता है उन लोग को उतना सक्सेस नहीं मिला। और वो लोग सोच रहे हैं अभी केवल जो फेमस हुआ है जो टाइटन उसी को हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, उसी को ठीक करेंगे, और ये चीज़ इंडिया में अफेक्ट करेगा। गरीना ये भी कर सकता है कि मैक्स हटाने के बाद इंडिया में कुछ करके गरीना जो नॉर्मल वर्जन है उसको लॉन्च कर दो, तब तो दिक्कत नहीं होगा। बट एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि भाई मैक्स वर्जन का लगने वाले। तो अभी हम लोग का दिमाग में आता है एक और गेम जो हम लोग खेलते हैं, वह है क्राफ्टन का दो गेम, वह है भाई BGMI बोल सकते हैं, पबजी मोबाइल एक जो भी है दोनों सेम है, उसके साथ साथ न्यू स्टेट। तो अभी आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, तो क्या आपको लगता है न्यू स्टेट के साथ ऐसा होने वाला, क्या न्यू स्टेट फेड आउट होगा कभी, और क्या एक ही गेम में फोकस किया जाएगा? अगर BGMI आ जाता है तो केवल BGMI में फोकस किया जाएगा या पबजी में फोकस किया जाएगा, न्यू स्टेट में फोकस नहीं किया जाएगा? आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्योंकि एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, कुछ दिन पहले जो प्रेस रिलीज आया था, आपको पता है क्राफ्टेड न्यू स्टेट का जिक्र कहीं नहीं किया था, वो भी एक हो सकता है हिंट्स हो सकता है, बट आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। अभी हम लोग कुछ भी स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे। एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि बहुत सारा कंपनी अभी रिस्क लेना कम कर देंगे, क्योंकि मोबाइल ऑडियंस जो है ना वो स्पेसिफिक वाला गेम पसंद करता है एज कम्पेयर टू PC वाला। PC में क्या होता है बहुत सारा वेराइटीज रहता है, जो PC ऑडियंस रहता है ना वेराइटीज ऑफ गेम खेलता है एज कम्पेयर टू मोबाइल वाला। ठीक है, तो चलो इतना रखते हैं वीडियो को। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।